यस हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू विल बी फिट एंड फाइन एट योर होम। ओके, सो बिफोर द स्टार्टिंग आवर लेक्चर आई विल गिव सम इंस्ट्रक्शंस। यू हैव टू फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन डेली। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टर्न योर कैमराज ऑन। ओके, सभी को अपना कैमराज ऑन रखना है। देन how to keep your mobile in the landscape position like this. Okay, इस तरीके से आपको अपना मोबाइल रखना है। एंड यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड। ओके, आपको केवल आपको समझना है कि टीचर क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। गॉट इट? इज इट क्लियर? यस। एंड Everyone's attention should be on the screen. और सबका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। Don't write anything. कुछ भी नहीं लिखें। Got it? Okay. Yes. So, in the previous session, we have read about the parts of body. Okay. In the previous session, we have read about the parts of body. हमने previous session में parts of body के बारे में पढ़ा था। And that we have read that some parts of our body are on our outside and we can see. That is called external parts of our body. Means हमने पढ़ा था कि कुछ ऐसे parts होते हैं body के या body के बहुत सारे ऐसे parts हैं जो कि शरीर के बाहर की तरफ होते हैं and we can see. हम उनको देख सकते हैं. Okay? So these are called external part of our बॉडी में हमारे शरीर के बाहरी अंग होते हैं, एक्सटर्नल पार्ट होते हैं, बाहरी भाग होते हैं। गॉट इट? इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ वी कंटिन्यू दिस चैप्टर। यस, नाउ हेड, एच ई ए डी, हेड। ओके, this is head. You can see this is head. Okay, you can see here this is head. Head means seed. What do you mean by head? Seed. Okay, yes. Yes, H-E-A-D. Head means seed. Sir कह सकते हैं या सिर कह सकते हैं, ठीक है? Head means sir. Okay, सिर लिखेंगे हम. Okay, so this is our head. Okay. So let's see. Yes. The head is the topmost part of our body. The head is the topmost part of our body. Means The head is our topmost part of our body. Means जो head है वो हमारा सबसे topmost means सर्वोच्च part है इस पूरी body का. Okay? Is it clear? Means जो हमारा ये head है, जो हमारा ये सिर है, वो पूरी body का सबसे ऊपर वाला part है, सबसे top part है. Got it? Okay. Next, do you remember The parts that are present on the heads, do you remember the parts that are present on the head? क्या आपको याद है कि हमारे head की कौन कौन से part हैं? हमारे head के अंदर यानी head के ऊपर कौन से parts हैं? You can see this is our eyes, nose, ears, lip. Okay?
दिस ऑल पार्ट्स प्रेजेंट ऑन आवर हेड, ये सारे पार्ट हमारे कहाँ प्रेजेंट हैं, हेड पर। ओके, दिस इज हेयर, दिस इज आईब्रो, दिस इज नोज, दिस इज आईज, दिस ऑल पार्ट्स प्रेजेंट ऑन आवर हेड, ये सभी पार्ट्स कहाँ प्रेजेंट है हमारे, हेड पर। कहाँ पर है, हेड पर। गॉट इट, यस। पॉइंट टू देम एंड टेल टू योर टीचर। ओके, यस। सो दिस इज आवर हेड एंड द मैनी पार्ट्स ऑन प्रेजेंट ऑन आवर हेड लाइक ईयर, आईब्रो, नोज, माउथ, ईयर, हेयर, फोरहेड, मैनी पार्ट। ओके, सो इट्स ऑल पार्ट्स प्रेजेंट ऑन आवर हेड। यू कैन सी, ऑल्दो यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, हियर दिस इज द पिक्चर्स, यस यू कैन सी दिस इज आईज, ईयर, नोज, माउथ, दिस पार्ट्स प्रेजेंट ऑन हेड, ये सारे पार्ट्स कहाँ प्रेजेंट हैं, हेड पर। गॉट इट, ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट पार्ट इज आवर ट्रंक। व्हाट इज दिस ट्रंक, टी आर यू एंड के, ट्रंक। सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रंक, ओके, इट इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ आवर बॉडी, मीन्स ट्रंक इज द सेंटर ऑफ आवर बॉडी, मीन्स इसको कह सकते हैं हम धड़, शरीर यानी नेक से नीचे का पार्ट जो होता है वो कहलाता है आपका धड़। ओके, टी आर यू एंड के, ट्रंक। एंड ट्रंक मीन्स धड़। ओके, यस। सो लेट्स सी, आवर ट्रंक इज एट सेंटर ऑफ आवर बॉडी, द फ्रंट पार्ट ऑफ आवर ट्रंक इज द चेस्ट, विच इज द आवर फ्रंट पार्ट ऑफ आवर ट्रंक, चेस्ट। ओके, चेस्ट। ओके, आवर ट्रंक इज द सेंटर ऑफ आवर बॉडी एंड द फ्रंट पार्ट ऑफ आवर ट्रंक इज चेस्ट। ओके, मीन्स हमारे जो ट्रंक का जो सेंटर पार्ट, मतलब हमारे बॉडी का जो सेंटर वाला पार्ट है वो हमारा है ट्रंक। ओके, एंड द फ्रंट पार्ट ऑफ आवर ट्रंक इज चेस्ट, हमारे जो फ्रंट पार्ट है, जस्ट सामने वाला पार्ट है वो कौन सा है, चेस्ट। गॉट इट, यू कैन सी इन द पिक्चर्स। ओके, दिस इज फ्रंट पार्ट, दिस इज फ्रंट पार्ट, चेस्ट, यू कैन सी चेस्ट, दिस इज चेस्ट। व्हाट डू यू मीन बाय चेस्ट, चेस्ट मीन्स सीना, छाती। ओके, सो दिस इज चेस्ट एंड दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ आवर ट्रंक। ओके, सो फ्रॉम हियर टू डाउन साइड हियर इज अ ट्रंक एंड द फ्रंट पार्ट ऑफ आवर ट्रंक इज चेस्ट, दिस इज चेस्ट, यू कैन सी चेस्ट। ओके, यस। सो व्हाट डू मीन बाय चेस्ट, चेस्ट, चेस्ट मीन्स सीना। ओके, ये फ्रंट पार्ट है आपका, दिस इज चेस्ट। ओके, यस। ओके, आवर आर्म आर जॉइंट टू द ट्रंक एट द शोल्डर्स ऑन द बोथ साइड, आवर आर्म्स आर जॉइंट टू द ट्रंक एट द शोल्डर ऑन द बोथ साइड, मीन्स
हमारी जो बाहें हैं, आर्म्स हैं, भुजाएं हैं, ये दोनों तरफ से कंधों पर ट्रंक से जुड़ी हुई है। कहाँ जुड़ी हुई है? ट्रंक से। आवर आर्म्स आर जॉइंट टू द ट्रंक एट द शोल्डर ऑन द बोथ साइड, मीन्स हमारी जो आर्म्स हैं, हमारी जो भुजाएं हैं, वो दोनों तरफ कंधों पर से ट्रंक से जुड़ी हुई है। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय शोल्डर? कंधे। यू कैन सी इन द पिक्चर्स, दिस इज शोल्डर। यू कैन सी दिस इज शोल्डर। ओके, SHOULDER। व्हाट डू यू मीन बाय शोल्डर? कंधे। इज इट क्लियर? ओके, दिस इज दीज आर शोल्डर, टू शोल्डर। वी हैव टू शोल्डर, वन एंड टू। ओके, इज इट क्लियर? सो आवर आर्म्स आर ज्वाइंट टू द ट्रंक एट द शोल्डर ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ से जो कंधों पे हैं, वो हमारी भुजाएं दोनों तरफ से कंधों पर से ट्रंक से जुड़ी हुई है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट। आवर लेग्स आर जॉइंट टू द ट्रंक एट द हिप्स ऑन द बोथ साइड, मीन्स हमारे जो पैर हैं, वो दोनों तरफ कूल्हों पर ट्रंक से जुड़े हुए हैं। ओके, आवर लेग्स आर ज्वाइंट टू द ट्रंक एट द हिप्स ऑन द बोथ साइड, मीन्स हमारे जो दोनों जो लेग हैं, वह दोनों तरफ पुलों पर कहाँ से जुड़े हुए हैं? ट्रंक से। गॉट इट? यू कैन सी इन द पिक्चर्स, दीज आवर लेग्स। ओके, लेग्स, एंड इट इज ज्वाइंट टू द ट्रंक एट द हिप्स ऑन द बोथ साइड। यहां से पार्ट लगाकर यहां तक हमारा कहलाता है ट्रंक। दिस इज द ट्रंक इज द सेंटर ऑफ आवर बॉडी। यह हमारे बॉडी का सेंटर पार्ट है, केंद्र का भाग है। गॉट इट? सो आवर लेग्स आर जॉइंड टू द ट्रंक एट द हिप्स ऑन द बोथ साइड। क्लियर? जो हमारा ये लेग्स हैं, वो हमारे ट्रंक यानी ट्रंक से हिप्स की तरफ या कूल्हे की तरफ दोनों तरफ से ज्वाइंट है। Got it? Is it clear? These are legs, these are shoulders, okay? And these are the front part of our body, chest. Got it? Okay. Yes. So now, next is limbs. LIMBS. So what do you mean by limbs? Limbs means ang. Okay? Yes. The arms and legs together are called limbs. The arms and legs together are called limbs. Means हमारी जो भुजाएं हैं, जो हमारी जो arms हैं और legs, दोनों एक साथ मिलकर क्या कहलाते हैं? Limbs. Okay? What is called? It is called limbs. Our arms and legs together are called limbs. Did you understand? हमारी जो आर्म्स हैं, हमारी जो ये आर्म्स हैं, भुजाएं हैं, एंड लेग्स, बोथ आर कॉल्ड टुगेदर लिम्स। यानी हमारी भुजाएं और हमारे पेट दोनों एक साथ मिलकर क्या कहलाते हैं? लिम्स। ईच आर्म्स हैज एल्बो, और प्रत्येक भुजा की क्या होता है? एल्बो। यू कैन सी इन द पिक्चर्स, माय पिक्चर्स, एल्बो, दिस इज एल्बो। गॉट इट? ओके, a wrist, and this is wrist. You can see this is wrist. Okay, wrist, and a hand, and this is hand with our four fingers. Here you can see four fingers. How many fingers? Four fingers, and a thumb. This is thumb. Got it? So each arm has an elbow, a wrist, a hand, and four fingers. Got it? Yani pratyek arms mein, pratyek bhuja mein hamare ek elbow hota hai, ek wrist hoti kalai, and a hand, and four fingers, and one thumb. Got it? Samajh mein aa gaya aapko beta? So, dhyan rakhiye, the arms and the leg together called a
limbs and each arm has elbow, wrist, hand, four fingers and one thumb. Okay, got it? Wait, you can see in the picture also. Yes, here. This is arm and this is also arm. Okay, we have two arms. So, each arm has elbow. Here is elbow. This is elbow. Okay, and this is thumb. And these are four fingers. And this is wrist. Got it? Okay, now next is each leg has a knee, ankle, and a foot with five toes. What? Each leg has. Matlab, har leg ke ek knee hota hai. What is mean by knee? Ghutna. What do you mean by knee? Ghutna. And ankle means takna. And the foot with five toes. Or फाइव टूज के साथ यानी फुट यानी पैर के साथ में फाइव टूज होते हैं. देखो ना आपने, यू कैन सी योर लेग्स, आप अपने लेग को देख सकते हो. एंड आई एम आल्सो वेट, यस हियर दिस इज लेग एंड दिस इज सेकंड लेग. वी हैव टू लेग यू नो, यस. सो ईच लेग हैज नी, दिस इज नी, यू कैन सी दिस इज नी, ये है आपका नी, ओके नी. एंड दिस इज एंकल, ये यहां पर एंकल टकना, ओके. एंड दिस इज फाइव टूज, ओके, गॉट इट. सो दीज आर आवर लेग्स, ओके. एंड ईच लेग हैज नी, एंकल एंड अ फुट विद द फाइव टूज, गॉट इट. ओके बेटा, सो एक बार लिसन, एक बार वापस. द आर्म्स एंड द लेग्स आर कॉल्ड टुगेदर लिम्स एंड ईच आर्म हैज एल्बो, अ रिस्ट, अ हैंड विद फोर फिंगर्स एंड अ थंब. मीन्स प्रत्येक आर्म्स में, प्रत्येक भुजा में हमारे एक एल्बो होती है, मीन्स कोहनी होती है, एक रिस्ट होती है, मीन्स कलाई होती है, एंड अ हैंड, एक हाथ, और फोर फिंगर्स एंड वन थंब, ओके. और हर लेग के एक घुटना होता है, नीज, एंकल, एक टखना होता है, एंड द फुट विद द फाइव टोज, और पांच टोज यानी फाइव टोज के साथ में एक पैर होता है. गॉट इट, ओके. सो हियर वी विल राइट सम वर्ड्स, ओके. के एन डबल ई, व्हाट डू मीन बाय नी? नेम इज घुटना. Okay, next, ankle. Yes, ankle. Ankle means takna. Okay, yes. And toes means pair ka anguta. Got it? Okay, yes. Okay, so Hanuman Singh, turn your camera on, sorry, turn your mic on, unmute your mic. Yes, sir. Yes, Hanuman, are you listening? Sunai de raha beta? Yes, sir. Yes, okay, so you have to read after me, okay? Aapko meri baat padhna hai, got it? Yes or no? But yes, read head. The head is the topmost part of our body. Yes. Thank you.
Do you remember the parts that are present on the head. Point to them until your teacher. Okay, again, the head is the topmost part of our body. Yes, do you remember? Remember the parts that are present on the head. Point out them. And tell to your teacher. Okay, beta. Okay, keep practice. Yes. So, students, if you have any doubt regarding this page that have read about the chapter, so you can ask me. अगर आपको इसमें जो हमने पढ़ा वो भी इससे कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी. एनी डाउट? यस. लवली जेन, व्हाट हैपेंड? यस सर. एनी डाउट? नो सर. ओके.